नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जिस देश में महिला को देवी कहा जाता हो, अगर उसी देश में किसी महिला को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार के भोजपुर के बिहिया थाना क्षेत्र में। एक महिला को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया। दरअसल पूरा मामला क्या था, हम आपको बताते हैं। एक 19 वर्षीय विमलेश नामक व्यक्ति का शव रेलवे पटरी के पास मिला था, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने एक महिला के पर आरोप लगा दिया, जिसके बाद महिला की जमकर पिटाई की गई, उसको निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया और ये सब कुछ हुआ सिर्फ शक के आधार पर। बिहार के आरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सारी दुनिया को शर्मसार कर दिया है। बिहार के आरा में एक महिला को निर्वस्त्र करके पूरे शहर में घुमाया गया है। दरअसल रेलवे पटरी के पास एक युवक की लाश मिलने के बाद शक के आधार पर इस महिला को भीड़ ने निर्वस्त्र करके पूरे मोहल्ले में घुमाया। जिस देश में महिलाओं की सम्मान की बात की जा रही है, उसी देश में महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना चेहरा सामने आया है, तो ऐसे कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को डर नहीं है? जिस तरह से भीड़ ने इस महिला को निर्वस्त्र करके पूरे शहर में घुमाया है, इस पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार और पुलिस भीड़ के सामने क्यों लाचार पड़ी? वहाँ पास में एक गोलिया कुमारी है, उनका घर है, उसको पकड़ा किया गया, आग लगाई गई। और उससे संबंधित तौर पर जब महिला यहाँ थाने पर आकर कंप्लेंट की, यहाँ से फोर्स रेस किया, फोर्स जैसे रेस किया तो उसमें लोगों के द्वारा पुलिस को पकड़ाव किया गया। ज़्यादा थी तो पुलिस थोड़ा सा महत्वपूर्ण बनाए, उसमें महिला को पकड़ कर फिर कुछ लोगों के द्वारा जैसे कि व्यवस्था करके घुमाया गया। भीड़ ने महिला को बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा और उसे निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया, मगर इतने से जब लोगों को शांति नहीं मिली तो उन्होंने ट्रेनों पर भी पत्थरबाजी की। हालांकि जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए, जिसके बाद पटना के पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने तत्काल बिहिया के थाना प्रभारी सहित 8 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं इस मामले में RJD के स्थानीय नेता सहित 15 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मगर वहीं इस घटना ने बिहार सरकार के बड़े बड़े दावों को खोखला साबित कर दिया है। जिस तरह से नीतीश कुमार महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बात करते हैं, वहीं उनके ही राज्य में इस घटना ने देश को शर्मसार कर दिया। दरअसल आज हमें यह सोचने की बहुत जरूरत हो गई है कि आज हम किस माहौल में जी रहे हैं। लगातार हमारे देश में मॉब लिंचिंग का मामला बढ़ता ही जा रहा है, लोग लगातार भीड़ के शिकार होते जा रहे हैं। हमारा देश आज किस तरफ जा रहा है, यह हमें सोचने की बेहद जरूरत है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए प्रहार टाइम्स।